हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए एक पार्टनर की जरूरत होती है। अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पार्टनर नहीं है तो आज मैं आपके लिए ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए एक ऐप लेकर आई हूँ जिसका नाम है इंग्लिश कन्वर्सेशन, जिसका रिव्यू मैं आपको दूंगी और इसके क्या फीचर्स हैं, इसको कैसे यूज कर सकते हैं और ये आपके पार्टनर जो कि प्रैक्टिस के लिए पार्टनर चाहिए उसकी प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकता है, आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर से लिखें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियो के साथ आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं और ये आपके लिए कैसे बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इसके कौन कौन से ऐप को इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर मैं टाइप करूंगी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ऐप, जो कि ऑलरेडी मैंने सर्च बार में सर्च कर रखा है। सो ये पहले नंबर पे ही आ रहा है और इस पर मैं अब क्लिक करूंगी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ऐप पर। और आप देख सकते हैं थर्ड नंबर पे ही इंग्लिश कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस ऐप हमें मिल गया है, जो कि ऑलरेडी मैंने इसे ओपन करती हूँ, इसे ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर रखा हुआ है। सो अभी करने की जरूरत नहीं है मेरे मोबाइल में। और आगे अब मैं इसके रेटिंग और रिव्यू के बारे में बताऊंगी। रेटिंग जो है इसकी काफी अच्छी है, 4.6 की रेटिंग इसे मिली हुई है और रिव्यू भी इसका काफी अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप जब इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे उस वक्त आप इसके रिव्यू को पढ़ सकते हैं, मैक्सिमम लोगों ने इसे पसंद किया है। मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ इसके रिव्यू को। और अब हम बैक चलते हैं और देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं इस ऐप के और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगी। अब इस ऐप के फीचर्स देख लेते हैं, इसे कैसे यूज करना है। तो इस ऐप को अब मैं ओपन करती हूँ और ये ऐप ओपन हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि ट्रिप्स एंड वेकेशंस, ईटिंग रिलेटेड टॉपिक्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट किड्स, ऐसे इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। मैं आपको ये सारे टॉपिक एक बार दिखा देती हूँ और इन टॉपिक्स में आपको अलग अलग नंबर के कॉन्वर्सेशन मिलेंगे। जैसे कि आप पहले नंबर पे देख सकते हैं ट्रिप्स एंड वेकेशंस में 20 कॉन्वर्सेशन है अलग अलग, और ईटिंग रिलेटेड टॉपिक्स में 14 है, फैमिली एंड फ्रेंड्स में 24 है, ऐसे अलग अलग कॉन्वर्सेशन है। और इनमें से कोई मैं एक आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जैसे स्कूल रिलेटेड टॉपिक में आप देखेंगे कि 24 कॉन्वर्सेशन है, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये ओपन हो चुका है और स्कूल रिलेटेड जो टॉपिक था उसमें आपको आपने देखा होगा 24 कॉन्वर्सेशन था, तो ये अलग अलग कॉन्वर्सेशन है, ये भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। और इसमें सबसे पहले नंबर पे है स्कूल प्रोजेक्ट विद डैड, दूसरे नंबर पे स्कूल प्रोजेक्ट विद अ फ्रेंड। तो इसमें मैं सबसे पहला ही आपको टॉपिक उठा के दिखाती हूँ कि उसमें क्या है, एड भी आता है। तो ये पेज ओपन हो चुका है और इसमें मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कैसे आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये पेज ओपन, अब इस स्क्रीन पर जो मैंने पेज ओपन किया है उसमें ऊपर के साइड में एक बार दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं लिसन, क्विज, प्रैक्टिस और रिकॉर्ड का ऑप्शन है। और इसमें मैं सबसे पहले लिसन के बारे में बताऊंगी। और इस पेज पर सबसे नीचे के साइड में एक ऑडियो प्ले का बटन आइकॉन दिया गया है, बना हुआ है, उस पर क्लिक करके आप जो भी ऊपर के साइड में कॉन्वर्सेशन है, जैसे कि केविन और डैड का कॉन्वर्सेशन दिखा रहा है, उसे आप सुन सकते हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन को, उनके कॉन्वर्सेशन को सुन सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। जैसे कि मैं उस ऑडियो प्ले के बटन पे अभी क्लिक करूंगी और आप उसके कॉन्वर्सेशन को सुनिए।
Dad, can you help me with my school project? Sure, Kevin. What is your assignment? We have to construct a building using any materials around the house. What were you thinking about building? I want to build a skyscraper. That should be fun. तो ये मैंने आपको एक डेमो करके दिखा दिया है और आप इसे सुनिए और इस लिसन ऑप्शन में जो कैटेगरी है इसकी आप इसे सुन के अपने कॉन्वर्सेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं और आप फर्स्ट पेज के फीचर्स के बारे में लिसन का जो पेज था उसके फीचर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब आपको ऊपर के बारे में लिसन के बगल में क्विज का ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको लास्ट पेज रिलेटेड जो भी क्विज रहेंगे वो पूछे जा सकते हैं जिसका आंसर आप देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ऊपर के ही बार में क्विज के बगल में प्रैक्टिस का ऑप्शन है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज खुलकर आएगा और इसमें आपको दो रोल हैं जैसे कि केविन और डैड का। इसमें आप कोई भी रोल आप चूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप डैड का करते हैं तो जो केविन का है वो ऑटोमेटिक ऑडियो प्ले में प्ले का जो नीचे आइकॉन है उसमें चला जाएगा और आप उसके अगेंस्ट में अपने पार्टनर के अगेंस्ट में बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं नीचे के बटन पे आइकॉन पे मैं क्लिक करूंगी, जो भी ऑडियो प्ले का आइकॉन है उस पर जब मैं क्लिक करूंगी तो आप सुन सकते हैं कॉन्वर्सेशन को, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि डैड, कैन यू हेल्प मी विद माय स्कूल प्रोजेक्ट? श्योर केविन, व्हाट इज योर असाइनमेंट? We have to construct a building using any materials around the house. What were you thinking about building? इस तरह से आप कॉन्वर्सेशन पार्टनर के अगेंस्ट में बोलकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये बहुत ही यूजफुल पोर्शन है इस ऐप का। आप इसे इस पोर्शन को जरूर आप इसका प्रैक्टिस करें और आगे देखते हैं कि हम रिकॉर्ड में जाकर इस ऑप्शन पे क्या सीख सकते हैं। जरूर आप इसका प्रैक्टिस ऊपर के बाद में प्रैक्टिस के बगल में रिकॉर्ड का ऑप्शन है जैसा कि आप देख रहे हैं, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सेम पेज खुलेगा जैसा कि आप प्रैक्टिस के ऑप्शन में जो पेज खुला हुआ था और इसमें भी चूज कॉन्वर्सेशन पार्टनर का ऑप्शन है और इसमें अभी आप देख रहे हैं कि दो रोल हैं केविन और डैड का, उसमें भी आप चूज करके दोनों में से कोई भी रोल चूज करके आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। इस ऑप्शन में खास बात यह है इस पेज पे कि नीचे के बार में आप देख सकते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग है जिस पर एक आइकॉन दिया गया है रिकॉर्डिंग का, इसमें रिकॉर्ड करके आप जो भी कॉन्वर्सेशन करते हैं उसे बाद में आप सुन सकते हैं। उस रिकॉर्डिंग के बगल में भी एक आइकॉन है, वहां पर आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सेव मोड में हो जाती है। यहां से आप सुनकर जो भी मिस्टेक हुए हैं बोलते वक्त प्रोनंसिएशन में या फिर सेंटेंसेस में उसे आप सुधार सकते हैं, फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं बोलते वक्त। तो फ्रेंड्स, ये था इंग्लिश कॉन्वर्सेशन का ऐप जिसका यूज करके आप अपने कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश के कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ा सकते हैं और जो मेजर प्रॉब्लम आती है कि कोई पार्टनर नहीं मिलता है वो प्रॉब्लम भी इस ऐप के थ्रू आपकी दूर हो जाएगी। तो इस ऐप को जरूर इंस्टॉल करिए और इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसे दूसरों के लिए भी रिकमेंड कर सकते हैं। तो आप इस ऐप को जरूर यूज करें और अगर आपको आज का ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर से लिखें। Want to fit more books into your life? With Audible, you can listen ताकि जब भी मैं अपने नए वीडियो के साथ आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। करें बेल